कई लोग इस बात को एक सिरे से नकार देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। खैर, इस बात को अनदेखा करने का वाजिब कारण भी है। आखिर कौन मानना चाहेगा कि सड़क पर अजीबोगरीब हरकतें करने वाले ये जानवर हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं? आखिर कौन कल्पना कर सकता है कि बिना शर्म लिहाज के लोगों का खाना छीनने वाले बंदर और चिंपैंजीज हमारे नज़दीकी पूर्वज हो सकते हैं? सीधी भाषा में कहें तो गलती लोगों की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने ये बताया कि इंसान बाकियों से अलग हैं और धरती पर वो सबसे स्पेशल हैं। सबसे अलग और सबसे खास होने के विचार से ही अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं? सच कहें तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर सांप आज भी है तो छिपकलियाँ क्यों हैं, टेट्रापोड्स हैं तो मछलियाँ आज भी समुंदर में क्या कर रही हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि कुत्ते अगर भेड़ियों से विकसित हुए हैं तो भेड़िए की प्रजाति क्यों अस्तित्व में है। खैर, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आज की वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते। धरती पर सबसे अनोखा और सबसे इम्पॉर्टेंट होने का विचार कितना सुहाना लगता है ना? शायद यही वजह है कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लोग अक्सर कहते हैं कि मानव का बंदर से इंसान बनने का विचार चार्ल्स डार्विन ने दिया। खैर, यह सच है कि कुदरत की एवोल्यूशन थ्योरी पर सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए। ये सच है कि प्राइमेट, चिंपैंजी, एप्स सब अलग अलग स्पीशीज हैं। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो पाएंगे कि हमारा केवल 93% डीएनए उनसे मेल खाता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए 99% तक मिलता है। ये सुनने के बाद आप भी इस सोच में होंगे कि हमारे नज़दीकी पूर्वज बंदर ना होकर चिंपैंजी रहे होंगे और हम सीधे उन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन आपकी ये सोच सरासर गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और ना ही हमारा एवोल्यूशन पूरी तरह बंदर से हुआ है। एवोल्यूशन की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बेतुकी बात है, जब हमारा डीएनए चिंपैंजी से मेल खाता है तो फिर हमारा इवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है? तो चलिए इस पेचीदा बात को हम एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं और आपको एक बर्ड के एवोल्यूशन की कहानी सुनाते हैं। इसे गौर से सुनिएगा क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने भी इसी कहानी के जरिए दुनिया को एवोल्यूशन की कहानी समझाई थी। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने फिंच बर्ड की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी और इसी थ्योरी ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। बात करें फिंच बर्ड की तो डार्विन ने अपनी किताब के जरिए दुनिया को बताया कि 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड के अस्तित्व की शुरुआत हुई। ये नन्ही सी चिड़िया अपने शुरुआती दौर में जितनी प्यारी थी उतनी ही मासूम। सबसे अनोखी बात थी कि धरती पर इसकी एक ही स्पीशीज मौजूद थी और ये एक ही जगह तक सीमित थी। दूसरी हैबिटेट का ज्ञान इसे अभी नहीं था, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ अब इन्हें और ज़्यादा भोजन खाने की ज़रूरत थी। ऐसे में दूसरे द्वीपों पर माइग्रेट होना ही बेस्ट ऑप्शन था, इसलिए फिंच बर्ड 3 ग्रुप में बंट गई। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, जबकि दूसरे ग्रुप ने आशियाना बनाया आइलैंड बी को, और जो बची वो हमेशा के लिए आइलैंड सी पर ही रह गई। ये वो बर्ड्स थी जिन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा और वो अपनी बर्थ प्लेस पर ही टिकी रही। माइग्रेट करने वाली फिंच बर्ड्स के दोनों ही ग्रुप ने अपने आप को नए वातावरण में ढालना शुरू किया। वहाँ उन्होंने अपने लिए घर बनाने और भोजन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की। दोनों ही द्वीपों पर रहन सहन, खाने पीने के तरीके में बदलाव था। जाहिर सी बात थी कि आइलैंड ए का तापमान, इकोसिस्टम और हैबिटेट आइलैंड बी से बेहद अलग था। ए आइलैंड में खाने के लिए जो उपलब्ध था वो बी आइलैंड में उपलब्ध नहीं था। सीधी भाषा में कहें तो ए आइलैंड में फल ज़्यादा मात्रा में थे जबकि आइलैंड बी में बग्स, इंसेक्ट्स मौजूद थे। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाली फिंच बर्ड्स में फलों को खाने के लिए हार्ड और लंबी चोंच का विकास हुआ और आगे चलकर इन फिंचेस को लॉन्ग बेक फिंच बुलाया गया, जबकि कीड़ों को खाने के लिए एक बड़ी चोंच की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मजबूती ज़रूर चाहिए थी। इसलिए आइलैंड बी पर रहने वाली फिंचेस की चोंच छोटी ही रही लेकिन वो काफ़ी मजबूत हो गई। इन फिंचेस को शॉर्ट बेक फिंचेस का नाम दिया गया। अपने अपने इलाके में सर्वाइव करने के लिए दोनों ही बर्ड्स अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई। शुरुआती दौर में फिंचेस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन द्वीपों के हालात उनके पुराने आशियाने से अलग थे।
लेकिन मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने के लिए इन दोनों ने खुद को इवॉल्व कर लिया। अब धरती पर फिंचेस की तीन तरह की प्रजातियां मौजूद थी। पहली वो जिनके पास एक लंबी चोंच थी और वो फल खाती थी, दूसरी वो जिनकी चोंच छोटी और मजबूत थी, और तीसरी वो प्रजाति जो आइलैंड सी पर मौजूद थी। सी आइलैंड पर रहने वाली फिंचेस वो थी जिनसे बाकी द्वीपों पर फिंचेस माइग्रेट हुई थी, यानी कि यहाँ फिंचेस अपने असली स्वरूप में मौजूद थी। आप ये भी कह सकते हैं कि सी आइलैंड में रहने वाली फिंचेस से हमें दो नई स्पीशीज मिली जो अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों फिंचेस एक दूसरे से इवॉल्व हुई, हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही फिंचेस का प्राइमरी सोर्स सेम रहा और दोनों एक ही सोर्स से इवॉल्व होकर इस स्वरूप में आई। अगर आप इनका डीएनए मिलाएंगे तो दोनों प्रजातियों का डीएनए वही होगा जो इनके सोर्स का है, लेकिन इन दोनों का एवोल्यूशन एक दूसरे से अलग है। ऐसे में हम इन्हें एवोल्यूशनरी कजन्स का दर्जा दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल केवल फिंचेस पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप एवोल्यूशन को अच्छे से समझ सकें। डार्विन द्वारा दी गई ये थ्योरी दुनिया में सभी जीवों के एवोल्यूशन को समझाती है, जैसे कि सांप और छिपकली के एवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है, भेड़िए और कुत्ते भी एक ही सोर्स को शेयर करते हैं। खास तौर पर बात करें इंसान की तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंसान चिंपैंजी या फिर बंदर से इवॉल्व हुआ है। ना तो हम किसी बंदर से इवॉल्व हुए हैं और ना ही उनसे अलग हुए हैं। असल फैक्ट तो ये है कि बंदर और चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कजन्स हैं। यहाँ हमारा और उनका प्राइमरी सोर्स एक ही है और इसीलिए हमारा डीएनए भी कई मायनों में उनसे मेल खाता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से ही इवॉल्व हुआ है या आगे चलकर चिंपैंजी या बंदर इंसान बनने वाले हैं। अगर आप आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी ही आपको धरती पर चिंपैंजी इंसान बनते दिखने वाले हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सवाल आता है कि अगर चिंपैंजी हमारे इवोल्यूशनरी कजन्स हैं तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिससे हम अलग हुए होंगे। ये जानने के लिए चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंसान और चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स थे होमिनोडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारी साझा पूर्वज थी। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुक कर चलती थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि इनकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो साफ थी कि इंसान और चिंपैंजी को एवोल्यूशनरी कजन्स बनाने का काम इसी प्रजाति ने किया था। आज हम होमिनोडाई को अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि इस जीव से दो स्पीशीज अलग हुई। पहली थी होमिनिडाई और दूसरी को नाम दिया गया था हाइब्रोबैटिडाई। इन दोनों जीवों में फर्क केवल नाम का था। होमिनिडाई के रूप में हमारी नाक अंदर की तरफ इवॉल्व हुई जो धूल और मिट्टी और स्मॉल पार्टिकल्स को रोक सकती थी, लेकिन हाइब्रोबैटिडाई की नाक बाकी बंदरों जैसी ही थी। होमिनिडाई हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हुए जो होमो सेपियंस के विकास के लिए जिम्मेदार थे, जबकि हाइब्रोबैटिडाई से आगे चलकर गिबॉन का विकास हुआ जो आज भी बंदर जैसे दिखाई देते हैं। बात करें होमिनिडाई की तो इस स्पीशीज में कई बदलाव और डिविजन्स हुए। इसी प्रजाति में होमिनिनाई और पोंगिनाई का डिविजन हुआ। पोंगिनाई से उत्पन्न हुए पोंगो जो पेड़ पर रहने वाले एप्स की तरह दिखाई देते थे, जबकि होमिनिनाई बने हमारे करीबी पूर्वज जिन्हें हम अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा देते हैं। हमारे ये पूर्वज एक बड़े लंगूर की तरह दिखाई देते थे। इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। कुछ होमिनिनाई पेड़ पर ही रहना चाहते थे जबकि बाकियों ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। ऐसे में होमिनिनाई से दो डिवीजन हुए। पहले डिवीजन से बने होमिनिनी जो जमीन पर चलना सीख गए थे और इनके बदन पर बाल भी कम थे, और दूसरी बनी गोलिनी जो अब भी पेड़ पर ही रहना चाहते थे। गोलिनी से निकले गोरिल्ला जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। आगे इस प्रजाति में कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन होमिनिनी में दो डिवीजन हुए जिसके चलते सबसे पहले उत्पन्न हुए हम यानी कि होमो सेपियंस और फिर उत्पन्न हुए पैन पेनिस्कस यानी कि बोनोबो और चिंपैंजी। इन दोनों जीवों का डीएनए आज इंसान से 99% तक मेल खाता है। हमारी तरह ये भी काफी दिमाग वाले होते हैं। ये दो पैरों पर चल सकते हैं और जमीन पर रहने के साथ पेड़ पर भी अपना आशियाना बना सकते हैं। इवोल्यूशन के इस पूरे ट्री को जानने के बाद हम समझ पाते हैं कि होमिनिडाई से कैसे इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बाकी एप्स की प्रजाति का विकास हुआ। इस कहानी से पता चलता है कि डिविजन्स के चलते हम अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व तो हुए, लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स सेम रहा।
यही वजह है कि हम काफी कुछ उनसे मेल खाते हैं, हमारा डीएनए भी उनसे काफी मिलता जुलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चिंपैंजी या बंदर से इवॉल्व हुए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प सवाल पर। ज्यादातर लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आज चिंपैंजी या बंदर इंसानों की तरह इवॉल्व क्यों नहीं हुए, केवल हमारा ही इवोल्यूशन क्यों हुआ। तो दोस्तों, इसका जवाब बेहद ही आसान है। दरअसल कुदरत में किसी भी प्रजाति का एवोल्यूशन तब होता है जब उन्हें विकास की जरूरत होती है। डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी में आपने नोटिस किया होगा कि फिंचेस भी तभी इवॉल्व हुई जब उनकी हैबिटेट में बदलाव हुआ। भोजन खाने के लिए जब उन्हें एक लंबी चोंच की जरूरत हुई तो उन्होंने अपने चोंच का विकास किया, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो भूखी मारी जाती। कुछ ऐसा ही हमें इंसानों के मामले में भी देखने को मिलता है। इंसान इवॉल्व इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने पेड़ से नीचे उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता अपनाया, जबकि गोरिल्ला और चिंपैंजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपनी पुरानी कंडीशंस में रहना ही बेहतर समझा। जब वो पेड़ और घने जंगल में मजे से जिंदगी बिता रहे थे, तब इंसान अफ्रीका के मैदानी क्षेत्रों में फैल गए। भोजन के लिए इन्होंने ज्यादा समय सतह पर बिताना शुरू किया और इसीलिए ये दो पैरों पर चल पाए। इस फीचर के विकास के साथ ही इंसान कैसे आगे इवॉल्व हुआ, ये कहानी हम आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पर अगर फिर भी आपको इस एवोल्यूशन की प्रोसेस को और अच्छे से समझना है तो प्लीज कमेंट में इसका पार्ट 3 जरूर लिखिए। मैं इसका पार्ट 3 भी जरूर बनाऊंगा और वो भी बहुत डिटेल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।